हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैबिट फन कॉर्नर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। मेरा जो खरगोश है गुपलू, उसका बर्थडे आने वाला है, वो भी इसी महीने। जी हाँ, हर 27 फरवरी को हम लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। 27 फरवरी को ही हम लोग अपने गुपलू को घर लाए थे, तो इस साल वो 3 साल का हो जाएगा। और हमारे घर में जितने भी फैमिली मेंबर हैं, वो इस साल भी बहुत ही एक्साइटेड है कि इस बार गुपलू का बर्थडे किस तरह से सेलिब्रेट करें, उसका ये स्पेशल दिन हम लोग किस तरह से यादगार बना सकते हैं, किस तरह से उसे थोड़ी सी खुशी दे सकते हैं। तो आज वीडियो इसके ही ऊपर है। क्या आप अपने बनी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं? अगर करते हैं तो किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? क्या स्पेशल करते हैं उस पर्टिकुलर दिन? प्लीज मुझे भी सजेस्ट कीजिए कि मैं अपने गुपलू के बर्थडे में इस साल में क्या स्पेशल करूं, क्या कुछ इनोवेटिव करूं, या तो क्या कुछ ऐसा कुछ नया चीज करूं कि मेरा गुपलू उस दिन बहुत ही हैप्पी रहे और बहुत ही खुश रहे। मेरे घर में बहुत सारे फैमिली मेंबर्स है, तो बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ ओपिनियन और कुछ कुछ सजेशंस दिए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हमारा जो फैमिली है यूट्यूब फैमिली, तो आप सभी से भी ओपिनियन लिया जाए कि इस साल हम लोग अपने गुपलू का बर्थडे किस तरह से सेलिब्रेट करें। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने कमेंट बॉक्स में अपने खरगोश का नाम लिखा था, तो मैं कुछ नाम लेना चाहूँगी। मैंने कोशिश किया है कि ऑलमोस्ट सभी का नाम यहाँ पर मैं ले पाऊँ, उनके बनीस का नाम। हमारे चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं और या तो जो व्यूअर्स हैं जो कि चैनल हमारा देखते हैं, उन्होंने जो कमेंट बॉक्स में अपने बनी का नाम लिखा था, मैं उसको एक बार यहाँ पे रीड आउट करना चाहूँगी। जैसे कि पीकू हो गया, हनी हो गया, बनी हो गया, पिंकेश हो गया, जेली बीन हो गया। तो चलिए मैं लाइन से एक बार सभी का नाम एक बार रीड आउट कर देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। पीकू, हनी, बनी, पिंकेश, जेली बीन, मफिन, चीकू, ओरियो, गोलू, कियो, कोको, मीनू, पोलू, किट्टी, चपडू, बफी, सीटू, स्नोई, चूचू, रोजी, फ्रैंकलिन, टोनी, मोनी, चेरी, पिल्लू, नानू, जैकी, ग्लोरी, रोजी, पिंकी, मीका, चीकू, शेरू, ओरो, मीकू, मीकी, बैड बॉय, लड्डू, पीकू, जेलर, डीलर, पुचकू, चूकू, शीशी, स्नोई, फ्लफी, मैक्स, रूवी, चेरी, टोलू, मोलू, फ्लफी। तो ये सारे खरगोश के नाम है, रैबिट्स के नाम है, जो कि हमारा जो चैनल देखते हैं और उन्होंने जो कमेंट किया था, तो कमेंट बॉक्स में उन्होंने ये अपने बनी के नाम प्यारे प्यारे से लिखे थे, हमें भी शेयर किए थे, बताए थे। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप अपने बनी का जो बर्थडे है, जैसे कि चपडू है, या तो ओरियो है, कोको है, चीकू है, या तो और भी जो भी मैंने नाम जो अभी पढ़े जो रैबिट्स के, तो आप लोग अपने घर पर अपने खरगोश का बर्थडे किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? तो ऐसा कुछ आइडिया है जो कि आप मुझसे शेयर करना चाहे, मुझे बताना चाहे कि हम लोग इस बार अपने गुपलू के बर्थडे पर इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट कर पाए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और माफ़ कीजिएगा अगर किन्हीं का बनी का नाम मैं पढ़ना भूल गई हूँ, तो प्लीज़ मैंने वैसे कोशिश किया है कि मैं सभी के नाम पढ़ पाऊँ, जो भी मेरे जो व्यूअर्स है, जो सब्सक्राइबर है, जो कमेंट बॉक्स में अपने बनी के नाम लिखे थे, तो मैंने कोशिश किया है, ट्राई किया है कि ऑलमोस्ट सभी के नाम में पढ़ पाऊँ। अगर किन्हीं का बनी का नाम अगर बोलना अगर छूट गया हो इस वीडियो में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने बनी का प्लीज़ जवाब फिर से नाम लिखेगा। इस बार से जब मैं नेक्स्ट टाइम से अगर वीडियो बनाऊँगी, तो मैं कोशिश करूँगी एक ऐसा वीडियो लाऊँगी कि मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं
के सभी के बनी का नाम मैं एक वीडियो में जरूर डालूं, क्योंकि सभी के बनी के नाम इतने प्यारे प्यारे हैं। और मैं पूछती भी हूँ कि आपने अपने बनी का नाम ऐसा क्यों रखा है, जैसे कुछ यूनिक सा रहता है। तो मैं पूछती हूँ कि उन्होंने ऐसा अपने बनी का नाम क्यों रखा है, बहुत प्यारा नाम है, क्या रीज़न है। तो ये सब जो है वो बहुत अच्छा लगता है सभी बनी का नाम सुनकर, जैसे कि कोको हो गया, कितना प्यारा लग रहा है, स्नोई, चूचू, बफी, चपड़ू, ये सब बहुत ही क्यूट सा नाम है। स्नोई तो बहुत ही ऐसा, ग्लोरी, पीकू, जेली बीन, तो ये सब बहुत ही प्यारा सा नाम है। सभी सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के बनी के नाम बहुत ही प्यारे हैं, सही में बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारा नाम है आप सभी के खरगोश का। इस वीडियो में मैं एक चीज और आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी कि जैसे कि घर पर जब किन्हीं का बर्थडे सेलिब्रेट होता है तो घर पर जैसे कि मम्मी खाना बनाती है तो उनके पसंद का ही बनाती है, या तो घर पर जब डेकोरेशन हम लोग करते हैं तो जिनका बर्थडे होता है तो हम लोग पहले सोचते हैं कि उन्हें किस तरह का डेकोरेशन पसंद है तो उनके हिसाब से करते हैं, या तो जब हम लोग केक भी ऑर्डर करते हैं तो उनके हिसाब से करते हैं, क्योंकि उनके बर्थडे को स्पेशल बनाना है तो उनके पसंद की चीज़ें जो उन्हें जो अच्छी लगती है तो उनके हिसाब से ही किया जाता है। तो इसी तरह मैं एक यहाँ पे एग्जांपल बस मैंने दिया, इसी तरह मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग इस तरह से ही मतलब कि अपने आइडियाज या तो आप जो भी सजेशन कमेंट बॉक्स में लिखे, तो रैबिट फ्रेंडली होना चाहिए कि रैबिट को वो चीजें अच्छी लगनी चाहिए। जैसे कि हम लोग अगर केक कट करते तो हमारा गुपलू तो नहीं खा पाएगा, या तो मतलब कोई भी खरगोश नहीं खा पाएगा, तो मतलब इस तरह से होना चाहिए कि हमारा जो खरगोश है उससे अच्छा लगना चाहिए, और उसके लिए हम लोग करें इस तरह से। अगर आप लोग अगर आइडियाज देते हैं तो अच्छा लगेगा। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं किस तरह से अपने गुपलू का बर्थडे सेलिब्रेट करूं, और आप लोग सभी लोग 27 फरवरी का इंतजार कीजिए, और मैं सेलिब्रेट करूंगी जब गुपलू का बर्थडे, तो मैं जरूर उसका बर्थडे का वीडियो जरूर अपलोड करूंगी। फ्रेंड्स, मुझे आप सभी को थैंक्स भी बोलना था कि आप लोग मेरे गुपलू खरगोश का वीडियो इतना पसंद कर रहे हैं, उसके वीडियोस को इतना लाइक करते हैं। जब मैं कमेंट में जब पढ़ती हूँ कि आप सभी लोग उसका वीडियो देखना काफ़ी पसंद करते हैं, तो मुझे और भी अच्छा लगता है, मुझे और भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड करूं रैबिट के ऊपर, और भी अच्छे अच्छे वीडियोस में बनाऊं। और आप सभी लोगों का इतना प्यार मिलता है, मुझे और मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगता है कि मैं और मेहनत करूं और भी मैं अच्छे अच्छे क्वालिटी के मैं वीडियोस अपलोड करते रहूं। तो बस आप लोगों का इसी तरह बस प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं और भी जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते रहूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। टाटा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।